हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा किचन जायका। आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे। सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म मेथी के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे पराठे बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने गर्मा गर्म मेथी के पराठे बनाना। ये देखिए, मेथी के पराठे बनाने के लिए मैंने ये एक बड़े बोल में पानी लिया है और उसमें आधा चम्मच नमक डाला है। मैंने मेथी को दो बार नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया था, दो से तीन बार, उसकी जो मिट्टी मिट्टी होती है वो सब निकल जाए इसीलिए। और इसको एक बार नमक के पानी से वॉश करेंगे ताकि जो थोड़ा कड़वा कड़वापन होता है ना वो ना लगे मेथी में इसीलिए। और ऐसे नमक के पानी से वॉश करने से बिल्कुल भी कड़वा कड़वा नहीं लगता है मेथी। तो ऐसे अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे। ये देखिए, मैंने मेथी का सब पानी निकाल दिया, अच्छे से वॉश कर ली। अब एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे और थोड़ी सी मेथी लेंगे अपने हाथ में और नाइफ से इसको ऐसे बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, जैसे हम धनिया पत्ती वगैरह चॉप करते हैं ना उसी तरीके से इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे ये मैंने मेथी अपनी अच्छे से सब चॉप कर ली। अब ये मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, करीब 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे इसमें। और इसमें हम अपनी मेथी, ऑयल देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम अपनी ये चॉप की हुई मेथी डाल देंगे। इसको हम मेथी को थोड़ा भूनेंगे, मतलब जो इसमें पानी होगा तो वो इसका पानी रिलीज होगा और अच्छे से ये एकदम कस जाएगी, एकदम अच्छे से इसको ऐसे भून लेंगे चलाते हुए। ये देखिए, अभी आपको पानी दिखेगा, ये देखिए पानी जो है वो पानी रिलीज हो रहा है, मतलब मेथी की क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, एकदम जरा सी हो जाएगी। और हमने इतनी सारी डाली थी पैन में, तो इसको ऐसे चलाते हुए अच्छे से इसको भून लेंगे। ये देखिए कितना पानी निकल रहा है, ऐसे ही कंटिन्यू चलाते हुए। 10 मिनट करीब आपको लगेंगे इसको भूनने में। ये देखिए इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई, ऐसे ही इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। ये देखिए, अब ये हमारी मेथी जो है वो एकदम परफेक्ट रेडी है, क्योंकि इसका पानी वगैरह सब अच्छे से सूख चुका है और मेथी की क्वांटिटी भी हाफ हो चुकी है, तो ये एकदम परफेक्ट है। अब ये मैंने आटा लिया है नॉर्मल गेहूं का, जो घर में यूज करते हैं रोटी बनाने में, तो ये डालेंगे। ये मैंने करीब 2 कप आटा लिया है, मैंने एक गड्डी मेथी ली थी उसके लिए मैंने 2 कप आटा लिया है, ठीक है। तो आप इतना ही मेजरमेंट रखें तो बहुत टेस्टी बनते हैं पराठे। और ये मैंने बेसन लिया है, बेसन ज़रूर डालें, बेसन को स्किप नहीं करें, बेसन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो करीब 4 टेबल स्पून मैं इसमें बेसन डाल दूंगी। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, हल्दी एकदम 1/4 टीस्पून ही डालें, और 1 टीस्पून डालेंगे नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये मैंने कलौंजी ली है, जो होती है ना कलौंजी, वो डालेंगे करीब 1/2 टीस्पून, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पराठे में, तो ये ज़रूर डालें, आप स्किप ना करें। अब ये सब चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आटा बेसन और मसाले वगैरह अपने आटे में सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए, मैंने करीब 3 टेबल स्पून मलाई ली है, जो नॉर्मल घर में जो होती है, आप इसकी जगह पे क्रीम भी डाल सकते हैं, मैंने मलाई का यूज़ किया है, ये डाल देंगे। इससे पराठे जो हैं एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये जो हमने मेथी भून के रखी थी अपनी, ये मेथी ऐड कर देंगे इसमें। अब ये देखिए, इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। अभी कोई पानी वगैरह नहीं डालेंगे, पहले हम
पहले हम ये मसाले अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे आटे में, अच्छे से रब कर करके हाथ से। ये देखिए ये सब जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब ऐसे मुट्ठी बांध के देखेंगे तो ये देखिए ये जुड़ रहा है, मतलब एकदम परफेक्ट है हमारा। और इसमें मैंने ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला है, मैंने ऑयल की जगह पे मलाई का यूज़ किया है, और जो ऑयल हमने मेथी में डाला था वो काफ़ी है इसके लिए। अब ये मैंने 1 कप पानी लिया है, इससे हम थोड़ा थोड़ा डाल के अपना डो रेडी कर लेंगे। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी है, इससे हम अपना एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा डो जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब इसको एक बोल में करके ढक के रेस्ट पे रख देंगे करीब 10 से 15 मिनट तक। ये देखिए अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं हमारे डो को रखे हुए, तो अब इसमें से हम थोड़ा सा ये पेड़ा निकालेंगे, थोड़ा सा तोड़ के इसको अच्छे से इसका पेड़ा बना लेंगे, लोई। ये देखिए अब ये जो ड्राई आटा है इसमें इसको थोड़ा सा रोल करेंगे। और इसको अच्छे से बेल लेंगे। थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको मोटा पराठा पसंद हो या पतला। पतला बनाएंगे तो वो क्रिस्पी बनता है, टेस्टी लगता है खाने में, और आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। तो ये देखिए इसको अच्छे से रोल कर लेंगे। ये देखिए हमारा पराठा जो है एकदम बिल के रेडी है। अब ये मैंने गैस पे एक तवा रखा है, और ये हम अपना पराठा डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। और इसको एक साइड से अच्छे से सेक लेंगे। अब इसको पलट के दूसरी साइड से भी सेकेंगे। अब ये देखिए इस पे मैं ऑयल लगा दूंगी, आप चाहें बटर या घी कुछ भी लगा सकते हैं। ये मैं तिली का जो तेल होता है मैं उसका यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा फायदा करता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैंने ये लगाया तेल। आप कुछ भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। और ये देखिए हमारा पराठा जो है बस बन के रेडी है, एकदम टेस्टी टेस्टी। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनाता है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, और मतलब बहुत अच्छा फ्लेवर था इसका, और एकदम मेथी का कड़वापन वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा था। हम कच्ची मेथी से बनाते हैं तो थोड़ा कड़वा कड़वा लगता है, इस टाइप से बनाते हैं तो एकदम परफेक्ट बनता है और बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म मेथी का पराठा जो है वो बन के रेडी है। अब इसको सर्व कर देते हैं। ये देखिए आप अचार या दही किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं, या आलू मेथी की सब्जी के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म मेथी का पराठा जो है क्रिस्पी क्रिस्पी बन के रेडी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए एकदम धुएं निकल रहा है, एकदम गर्मा गर्म है, क्रिस्पी क्रिस्पी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।